हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञानों के में। और आज की वीडियो का टॉपिक है दिल्ली पुलिस मल्टीटास्किंग स्टाफ भर्ती परीक्षा परिणाम 2018-19। और इसमें आपको आज हम इस भर्ती के बारे में बताएंगे, कब ये भर्ती हुई थी, कब इसके लिए परीक्षा आयोजित की गई और इसका रिजल्ट कब तक आएगा। मल्टीटास्किंग स्टाफ के 702 पदों के लिए दिसंबर 2017 में दिल्ली पुलिस MTS आवेदन आमंत्रित किया गया था और काफ़ी लंबे समय के बाद इसके लिए एडमिट कार्ड जारी किए गए। लगभग 9 महीने बाद एडमिट कार्ड जारी किए गए और परीक्षा दिसंबर 2018 में आयोजित होने वाली थी, लेकिन कुछ कारणों के चलते परीक्षा जनवरी 2019 तक बढ़ा दी गई और इससे अब जो इसकी परीक्षा का जो परिणाम है वो आने में देरी हो रही है। लेकिन अब मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, विभाग किसी भी समय परिणाम की घोषणा कर सकता है और हो सकता है इसमें लोकसभा चुनाव के चलते देरी भी हो जाए, लेकिन आंसर की के बाद इसका रिजल्ट जल्दी जारी होने की उम्मीद है, क्योंकि इसकी आंसर की जारी कर दी गई है और आंसर की पे आपत्तियां मांगी जा रही हैं और आंसर की जारी होने के लगभग 1 माह के बाद रिजल्ट भी जारी हो जाता है। अगर आप आंसर की चेक करना चाहते हैं तो आपको आंसर की चेक करने के लिए दिल्ली पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। दिल्ली पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट है dillipolice.nic.in और यहां आपको होम पेज पर रिक्रूटमेंट पे आना है। रिक्रूटमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको रिक्रूटमेंट पेज पे आपको एक लिंक मिलेगा। ये लिंक इसका ये जो नाम है सॉफ्ट कॉपी ऑफ आंसर की एंड क्वेश्चन बुकलेट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर वॉरियर्स ट्रेड्स ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ सिविलियन दिल्ली पुलिस 2017 का ये लिंक खोल लेना है आपको। और लिंक खोलने के बाद आपको यहाँ एक टेबल दिखाई दे रही है, इस टेबल में आपको डेट ऑफ एग्जामिनेशन, टेस्ट बुकलेट और बुकलेट सीरीज सेट वगैरह आपको ये दिख रहा है, तो आपको इसमें से जिस डेट पर आपका एग्ज़ाम था उस डेट को क्लिक कर लेना है और आपके पास आगे उस दिन की आंसर की आ जाएगी। आपको अपना चेक कर लेना है और रिजल्ट देखने के लिए आपको दिल्ली पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट dillipolice.nic.in पे जाना होगा और यहाँ होम पेज पे रिक्रूटमेंट पे आपको क्लिक करना है। रिक्रूटमेंट पे क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पे अलग अलग नोटिफिकेशन लिंक आएंगे, आपको उसमें से दिल्ली पुलिस मल्टीटास्किंग स्टाफ सिविलियन एग्ज़ाम 2017 मेरिट लिस्ट की PDF आपको खोलनी है, वो लिंक आपको खोलना है और आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। आपको PDF लिस्ट में अपना नाम ढूंढ लेना है और इस तरह आप अपना रिजल्ट चेक कर पा सकते हैं। दोस्तों, दिल्ली पुलिस मल्टीटास्किंग स्टाफ भर्ती परीक्षा 2018-19 से संबंधित पूरी जानकारी आप हमारे इस आर्टिकल में पढ़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट है nvssc.org और आपको इस आर्टिकल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और दिल्ली पुलिस मल्टीटास्किंग स्टाफ भर्ती परीक्षा 2018-19 से संबंधित पूरी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपके पास दिल्ली पुलिस मल्टीटास्किंग स्टाफ भर्ती परीक्षा परिणाम 2018-19 से संबंधित पूरी जानकारी सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।